बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हो गए। ढाका से लेकर चटगांव, ठाकुरगांव तक सड़कों पर जमात के कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है। इस्लामी कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को कत्लेआम की बात कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को बढ़ावा तो दे ही रही है, साथ ही साथ एकजुट हो रहे हिंदुओं पर एक तरफा एक्शन भी ले रही है। हिंदुओं के बैंक खाते सील कर दिए गए। चिन्मय दास समेत करीब 30 संतों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। जमात के कट्टरपंथी हिंदू दुकानदारों से जजिया टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। शिवचर में जबरन इस्कॉन मंदिर बंद किया गया। चटगांव में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बांग्लादेश में पिछले 36 घंटे में हिंदुओं पर कितने हमले हुए, चिन्मय दास प्रभु पर जेल में क्या हुआ, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ढाका पर जमातियों का कब्जा हो चुका है? क्या ढाका में हिंदुओं पर बड़े हमले का प्लान बन चुका है? हिफाजत ए इस्लाम हिंदुओं को कत्ल करने की धमकी किसकी शह पर दे रहा है? अभी तक जो चटगांव में हो रहा था, शिवचर में हो रहा था, रंगपुर में हो रहा था, क्या वही सब अब ढाका में हिंदुओं के साथ होने वाला है? ये खतरा जमातियों की इस भीड़ ने पैदा किया है जो जुमे के दिन ढाका की गलियों में दिखाई दी। नारेबाजी करते हुए हजारों जमातियों ने इस्कॉन को बैन करने और उससे जुड़े हिंदुओं को मारने की धमकी दी। इन तस्वीरों के बाद इस पर कोई डाउट नहीं रह गया है कि जमातियों को कौन बैक कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ढाका के सेंटर में स्थित बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हिंदुओं को और इस्कॉन के समर्थकों को खुलेआम धमकी देने की जरूरत जमाती कैसे करते? নিষিদ্ধ করা হোক এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসেবে ইস্কনকে যাতে সরকার খুব দ্রুত নিষিদ্ধ করে এই আবেদন আমরা জানাইছি। जमातियों की भीड़ बांग्लादेश के कोने कोने में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। ठाकुरगांव जिले में जमातियों की भीड़ ने हिंदुओं पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। देशद्रोह के फर्जी आरोप लगाकर उन्हें जान से मारने की साजिश की। उन्हें मरणासन्न हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जुमे के दिन चटगांव में हजारों जमाती हिंदू बहुल इलाकों में धार्मिक नारे लगाते हुए रैलियां निकाले। वहां के पौश इलाकों में खुलेआम हिंदुओं को धमकाया। चटगांव में जुमे की नमाज के बाद पूरी प्लानिंग के साथ जमातियों की भीड़ हथियारों से लैस होकर उन गलियों में घुस गई जहां हिंदू आबादी रहती है। घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। हिंदुओं के घरों के दरवाजे तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की। सोचिए अगर जमाती घर में घुस जाते तो वहां लड़कियों महिलाओं के साथ क्या क्या हो सकता था। अभी तक कट्टरपंथियों के निशाने पर ज्यादातर इस्कॉन के मंदिर थे, लेकिन अब छोटे छोटे मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। चटगांव में पत्थरघटा आश्रम और संत नेश्वरी मंदिर पर भी जुमे की नमाज के बाद आई भीड़ ने हमला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने के लिए मस्जिदों से उकसाया जा रहा है? आश्रम के बाहर कुछ महिलाओं ने जब कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी हिंदुओं के खिलाफ हमले में पुलिस और सरकार खुलकर कट्टरपंथियों की गोद में खेल रही है। इसका प्रमाण
बांग्लादेश के मौलवी बाजार से आई ये तस्वीरें हैं, जहां मदन मोहन मंदिर पर मोहम्मद शाहीन नाम के एक कट्टरपंथी ने हमला कर दिया। वो अकेले ही हमला करने आया था। हिंदू लड़कों ने दिलेरी दिखाते हुए उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जैसे ही उसका नाम मोहम्मद शाहीन सुना, उसे छोड़ दिया। बहाना बनाया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। अगर बांग्लादेश पुलिस की बात एक बार मान भी ली जाए तो शाहीन मेंटली ठीक नहीं है, तो फिर उसने मंदिर पर ही हमला क्यों किया? दरअसल ये जमातियों का पुराना पैटर्न है, पकड़े जाओ तो मानसिक बीमारी का बहाना बना दो और सिंपैथी भी ले लो। ऐसे सैकड़ों सिफरे जमाती शाम घिरते ही लाठी डंडे लेकर निकल पड़ते हैं। पटिया उप जिले में करीब 50 कट्टरपंथियों ने वासुदेव मुकुंद धाम मंदिर पर हमला कर दिया। इस मंदिर का मैनेजमेंट इस्कान संस्था देखती है। स्थानीय हिंदुओं ने जब लाठी डंडे लेकर उन्हें दौड़ाया तो जमाती भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें चटगांव की है, जहां जुमे की नमाज के बाद आई भीड़ ने हिंदू घरों में आग लगा दी, घरों के दरवाजे तोड़कर लूटपाट की कोशिश की। जुमे के दिन हिंदू दुकानदारों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन जो लोग मिल गए उनके साथ जमातियों ने क्या क्या किया वो सोचकर सिहर उठेंगे। जमाती सोशल मीडिया से भी हिंदुओं की आवाज गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर हिंदुओं के हक की बात करते हैं और इस कान को फॉलो करते हैं। एक ऐसे ही लड़के को जमातियों ने घर से निकाला और पहले उठक भटक करवाते हुए वीडियो बनाया, फिर मारपीट की। जमात और शिविर के सैकड़ों लोग इसी तरह बांग्लादेश के शहरों में खुलेआम धमकियां देते घूम रहे हैं। हिंदुओं के अलावा उनके निशाने पर दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उन्होंने शिया समुदाय की मस्जिदों और दरगाहों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। मुर्शिदपुर में एक मजार पर सुन्नी कट्टरपंथियों ने आग लगा दी, इसमें एक शिया शख्स की मौत भी हो गई। कट्टरपंथी अब शहरों के साथ साथ गांवों में हमले शुरू कर चुके हैं। शेरपुर जिले में भी सुन्नी कट्टरपंथियों ने जमकर उपद्रव किया। शिया समुदाय की एक मजार और दरगाह को आग लगा दी और वहां जो कुछ भी था लूट कर ले गए। बांग्लादेश में एक तरफ जमाती कोहराम मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार हिंदू संतों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। चिन्मय प्रभुदास के करीबी आदिनाथ प्रभु और रंगनाथ दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कान से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को सील कर दिया है। एक महीने तक उनसे किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। इसमें गिरफ्तार संत चिन्मय कृष्णदास का भी अकाउंट है। सभी लोगों से 3 दिन में खातों की डिटेल सरकार ने मांगी है। इसके खिलाफ कोलकाता में इस्कान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की जेल में चिन्मय दास की जान को खतरा है, क्योंकि उसी जेल में कई अपराधी भी बंद हैं जहां चिन्मय दास को रखा गया है। इसके अलावा उन्हें भगवान को भोग लगाने और वेजिटेरियन खाना देने की डिमांड की गई है। जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि अगर एक कोई भी सोसाइटी या मंदिर फंक्शन करता है तो वहाँ साधु संन्यासी रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर वो पैसा ही बैंक फ्रीज कर दिया है तो वो लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे और कैसे अपनी दिनचर्या करेंगे। इवन जो भगवान का जो भोग लगता है उसके लिए भी खर्च होता है। तो अगर आप जो बता रहे, आपके ही माध्यम से पता चला कि फ्रीज किया है, तो ये बहुत ही दुखद है। जेल एक सामान्य जगह नहीं है, हमें सभी को पता है। जेल में बहुत तरह जो गलत काम करते हैं वही लोग होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, हत्यारे होते हैं।
हमें पता है कि पाकिस्तान में एक कोई सरबजीत सिंह करके थे, उनको वहाँ के बाकी लोगों ने हत्या कर दी। तो मन में तो ये हमेशा आशंका रहती है कि इतने ऐसे दूसरे तरह के लोग के बीच में एक साधु कैसे सर्वाइव करेगा, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जारी हिंसा के खिलाफ मुसलमान भी सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में इंडियन सेकुलर फ्रंट ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया। बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट का एक विधायक है पीर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी, जिनका कनेक्शन फुरफुरा शरीफ से है। हालांकि नौशाद प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इंडियन सेकुलर फ्रंट ने बांग्लादेश हाई कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया है। रिपोर्टेशन देने के लिए आया हूँ मैं। जे बांग्लादेश में जो घटना चल रहा है संख्यालयों के ऊपर, इसके खिलाफ इंडियन सेकुलर फ्रंट के माध्यम से मैं डिप्टी हाई कमिश्नर जो है एक बोलना चाहता हूँ, जो अत्याचार हो रहा है बंद कर निकलिए बोलना मैं आया हूँ। आपका विधायक क्यों नहीं आया? आपका है तो वो अलग काम में बिजी हो इसलिए नहीं आया।